दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप PNB One एप्लीकेशन को यूज करते हैं और किसी रीजन की वजह से आप PNB One एप्लीकेशन में लॉग आउट हो चुके हैं और आप लॉगिन होना चाहते हैं तो यहां पर यूजर आईडी एंटर करने के लिए बोला जा रहा है और आप यूजर आईडी भूल चुके हैं तो कैसे हम यूजर आईडी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वही आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो यूजर आईडी फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रबल साइन इन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है चेक योर यूजर आईडी। तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है कम्प्लीट। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस यूजर आईडी को आपको नोट डाउन करके कहीं रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो चलिए हम साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और PNB One एप्लीकेशन में लॉग इन होने के लिए हम अपना यहाँ पर यूजर आईडी एंटर कर देते हैं। यूजर आईडी एंटर करने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कराना होगा। ध्यान देना है कि आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड किया जाएगा तभी जाके आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है वो मोबाइल नंबर यानी वो सिम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही समय में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद अगेन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक न्यू एम पिन क्रिएट कर लेना है। जब भी आप PNB One एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो 4 डिजिट के एम पिन से ही आप लॉग इन होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एम पिन यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जो एम पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही कन्फर्म एम पिन में सेम दे देना है। एम पिन एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे आपका एम पिन सक्सेसफुल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एम पिन क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन अपना एम पिन एंटर कर देना। चलिए मैं यहाँ पर अपना एम पिन एंटर कर देता हूँ। एम पिन जैसे ही आप अपना एंटर करेंगे आप PNB One एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। सो इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने PNB One एप्लीकेशन का यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।